क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू बोर्ड एंड एनसीईआरटी आपका, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से करा रहा हूँ मैं, याद रखिएगा ये एनसीईआरटी की ही बुक है आपका, प्रिस्क्राइब आपका, दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव है ये लक्ष्मी पब्लिकेशन की, आर के बंसल सर की। इसमें हेमिस्फीयर का टैंक ऑफ रेडियस 1 होल 3 बाई 4 मीटर आपका देखो मिक्स फ्रैक्शन में है, इज फुल ऑफ वाटर, इट इज कनेक्टेड विद ए पाइप विच एम्प्टीज एट अ रेट ऑफ 7 लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये पाइप 7 लीटर पानी आपका खाली करता है। हाउ मच टाइम, कितने समय में ये पूरा टैंक आपका खाली हो जाए, ये कह रहा है आपका सॉल्यूशन आपका कह रहा हूं। हेमिस्फेरिकल वाटर टैंक है, इसका रेडियस आपका देखिए ना आर इज इक्वल टू आपका 1 होल 3 बाई 4 मीटर है, इसको कन्वर्ट 4 बाई 4 7 बाई 4 मीटर, ये रेडियस ऐसे भी रहेगा एंड दिस रेडियस विल बी आपका देखो 7 हेमिस्फेरिकल, क्लियर, इट इज कनेक्टेड विद द पाइप, चलो ठीक है पाइप से कनेक्टेड है। हमें क्या करना है आपका नाम है सर, पाइप से करेंगे अभी तो वो बताएगा, और ये आपका नाम एम्प्टी, इसको खाली कर रहा है आपका नाम सर एट ए रेट ऑफ अपन 7 लीटर अपन पर सेकेंड में, एक सेकेंड में इस पाइप से आपका नाम देखो कितना 7 लीटर पानी निकल रहा है, ठीक हो गया सर। तो आपका देखो इसका मतलब क्या होगा, फिगर आपका जो दोस्त है बाकी बस थोड़ा सा फिगर में क्या नहीं है, पानी नहीं बस वॉल्यूम सब बॉयलर निकालेंगे मैं सब ब्लू कलर से पानी निकाल रहा हूं मैं, वही कर रहा हूं उधर अरे ब्लू कलर में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सर इसीलिए रखा हुआ है मैं आप बाकी तो दो ही कलर है सर मेरे पास, बाकी चार कलर नहीं है लेकिन सावधानी का पूरा प्रयास करूंगा आपको, इसमें वाटर से आपका पूरा भरा हुआ देखें अपने, अब इसमें देखिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर देखें, जहां जहां पे नहीं आएगा बिल्कुल पूछ लो, तो वाटर में जो आपका आपका जो वाटर है इसमें टैंक में उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एग्जैक्टली हेमिस्फीयर का y3 - q ये टैंक, और ये इसी बार आपका 4/3 पाई आर के साथ 2/3 चलो थैंक यू सर, वाह ओके नाउ 2/3 × 5 22/7 इनटू 7/4 इनटू 7/4 इनटू 7/4 एम आई राइट, तो ओके देखो जो वॉल्यूम ऑफ आपका स्फीयर होता है वो आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आधा हो गया तो 2/3 क्लियर हो गया सर। अब यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो मीटर क्यूब आता है, जरा सवाल में आपका देखो ना लीटर पर सेकंड में ओ ऊपर आपका मीटर है कन्वर्ट करना, क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है क्योंकि लीटर में लाना है तो लीटर में लाने के लिए मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो देखिए आपका 1 मीटर इसी का आपका क्या होगा 100 सेंटीमीटर इरेजिंग इट 2/3 ये हो गया पाई वैल्यू आपका 22/7 आर इज व्हाट 7/4 तो मैंने 7/4 इनटू 7/4 इनटू 7/4 लिख दिया इज इट क्लियर, ये अब मैंने वो हटा दिया और इसको 7/4 की पावर 3 3 ठीक है। अब देखो 1 मीटर इज इक्वल आपका कितना हो गया 100 सेंटीमीटर
तो 2 by 3 into 22 by 7 into 7 by 4 और मीटर को आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द ठीक है सर। अब आपका देखो ये अब मेरे को करना तो वही पड़ेगा आपका देखो लास्ट में आपका देखो 22 by 7 into 7 by 4 into 7 by 4 into 7 by 4 ही करना पड़ेगा। देखो 1 7 इज कैंसिल 2 2 सा आपका देखो 2 11 सा हो गया और आपका देखो ये लो आपका 6 0 1 2 3 4 5 क्लियर हो गया सर। इसको अब आप यहाँ 3 आपका ये तो 2 3 4 12 4 48 हो गया 48 से अब आप इसको मल्टीप्लाई करेगा 11 7 जा 77 हो गया और 7 7 जा आपका 49 आपका और 7 49 50 चलो 53 एक बार चेक कर लें आप सर कहीं गड़बड़ तो नहीं है मेरा 2 बाई 3 23 बाई 7 फिर 77 आ रहा है पता है नहीं नहीं सर ओवर 48 हाँ तो ये अब आपका नीचे देख लीजिए ना कुछ कट रहा हो अरे हाँ ये कटेगा तो सही 4 से 425 ऐसे कटेगा आपका ना ये कटेगा तो लेवल का कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके जरा मुझे बताइएगा ये कट जाएगा खाली 3 बचेगा नीचे खाली ओनली 3 विल बी रेस्ट ये आपका 4 से ये आपका कट जाएगा 125 फिर 4 से 125 10 कट जाएगा आपका देखो ना कि आपका देखो ये 100 और इंटू 100 हो गया तो 6 टाइम कटेगा फिर 100 बन जाएगा आप समझ रहे हैं तो आपका ये 25 टाइम कटा आपका देखो फिर 25 टाइम कटा 100 और बच गया आपका देखो अब ये इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ वो मल्टीप्लाई करके मुझे फिगर बताइए कितना 3 3 6 8 7 5 00 00 बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब या तो इट्स नॉट ये वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टेड इन 1 सेकेंड में निकालेंगे आप 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड इसे गड़ा क्या होगा 1 लीटर इसे गड़ा क्या होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा इस वक्त क्या सर 1 लीटर इन 1000 सेंटीमीटर हाँ जी यही होगा यही होगा तो इसे वाला 7 लीटर इसे गड़ा क्या कितना हो जाएगा आप समझ रहे हैं सर इज इट क्लियर तो आपका 7000 होगा 1 लीटर आपका सेंटीमीटर को आपने चेंज आपका ठीक हो गया सर। अब आपका जाओ अब आप सीधा सीधा कहेंगे टाइम टेकन क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या लिखा है टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक फुली या कंप्लीटली इससे क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक वो जो आपने निकाला वो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कितना लिखोगे इफ ए बाय बी इज सेपरेट एंड सी इज सेपरेट इट मींस ए बाय बी सी हो जाता है तो दिस 3 3 6 8 7 5 0 0 ओवर 7000 इनटू 3 दो जीरो तो इसके खलास कर दीजिए होगा तो ना इसका मतलब 3 अब ये कट जाएगा 5 से कट जाता है याद रखिए क्योंकि पीछे नंबर है तो 3 3 6 8 7 5 ओवर ये 70 इनटू 3 है अब इसको काट लीजिएगा कितना 210 हो गया 3 3 6 8 7 5 over 200 ये पूरा सेकंड में आएगा याद रखेगा सेकंड में आएगा इसीलिए दैट वाज कन्वर्टेड कितना आ रहा है 1640 सेकंड आंसर नहीं आ रहा और 1 मिनट इज इक्वल टू आपका 60 सेकंड होता है सर इसका मतलब 1 सेकंड इज इक्वल आपका कितना हो गया 1 अपॉन 60 आपका व्हाट मिनट अब आप ये होगा इसको अब आप क्या करेगा 1640 को डिवाइड बाय 60 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए तो 164 6 से आपका देखो 6 2 जा 12 आपका हो गया 44 हो गया आपका ना देखो 7 जा
42 आपका हो गया, नाउ 2 इसमें आपका 0 आपका 3 सर आपका 18 आपका हो गया ना, तो सर 27.3333 आएगा, सुना 27.34 मिनट में ये टैंक खाली हो जाएगा, जिसमें से एक सेकंड में 7 लीटर पानी निकल रहा है। जी पड़ेगा अब वहाँ आपका क्योंकि सेकेंड और आर के बीच की सेकेंड में छोड़ोगे तो उसकी समझ में हो सकता कि थोड़ा सा, अब आप आर में भी निकाल सकते थे इसको, लेकिन आर में क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आपका 16 to 60 आपका क्या 3600 हो जाएगा, 36 तो वो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए आप समझ रहे हैं, तो मिनट में आपने इसको ला करके छोड़ देना प्लीज।